हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ग्लिच का पांचवा भाग। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। पांचवे भाग की शुरुआत होती है बेल और ताइची से। ये दोनों अभी अभी मर कर जीवित हुए हैं। ये दोनों किसी और कब्रिस्तान से निकल रहे थे। साथ ही हमें पता चलता है कि ये दोनों भगवान पे बेहद भरोसा रखते हैं। आज से ठीक 15 साल पहले इन दोनों की मौत हुई थी। बेल और ताइची एक दूसरे को नेकेड अवस्था में देख लेते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे की मदद करके कब्रिस्तान से बाहर निकल आते हैं। दोनों को यही लग रहा था कि ये दोनों कभी मरे ही नहीं थे। दूसरी तरफ विलियम अलीशा की कब्र के सामने खड़ा होकर उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं सारा की मौत के बाद जेम्स खुद को संभाल नहीं पा रहा था। एकदम से उसकी दुनिया से सारा चली गई थी, इसलिए उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जेम्स अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के घर चला जाता है, ये सोचकर कि वो जल्द से जल्द इन सभी से बाहर निकल सकेगा। इधर बेल और ताइची चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। बेल को याद आने लगता है कि किस तरह से बचपन में वो यहाँ अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी और फिर एक दिन वो एकदम से गिर गई। इसके अलावा इस मंदिर को देखते ही ताइची को याद आने लगता है कि काफी सालों पहले ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड ढूंढने के लिए कुछ आदमियों को यहाँ भेजा गया था, जिनमें से एक ताइची भी थे। काफी पैसे खर्च करके यहाँ गोल्ड ढूंढा जा रहा था। इस दौरान ताइची की मुलाकात ली नामक आदमी से होती है। ताइची ओपेरा चलाया करते थे और इससे उन्हें काफी आमदनी भी होती थी। ली ताइची को देख कर उनसे पूछने लगता है कि आप यहाँ गोल्ड ढूंढने के लिए क्यों आए हैं, क्योंकि आप तो बेहद अमीर आदमी हैं। ताइची बताता है ओपेरा में चोरी हो गई है, मुनाफा भी कुछ खास अच्छा नहीं था, इस वजह से ये सारे काम मैं करने के लिए मजबूर हूँ। ली ताइची का फैन था, इसलिए वो ताइची से कहकर यही इसी जगह पर ओपेरा बनाने को कहता है। साथ ही ओपेरा में वो ताइची के साथ काम भी करना चाहता था। अब जबकि बेल और ताइची अपने पुराने कुछ बातों को याद कर चुके थे तो दोनों एक एक करके अपना अपना नाम बताते हैं। सब कुछ दोबारा से ठीक करने के लिए ताइची बेल से कुछ पैसे मांगता है। वहीं बेल उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। बेल बताती है कि कुछ ही दूरी पर उसका घर है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। घर जाने से पहले ये दोनों नदी किनारे खुद को साफ कर रहे थे। अचानक से ब्रिज पर एक गाड़ी चली आती है और उन दोनों को देख बेल और ताइची छिप जाते हैं। गाड़ी में मौजूद लोग केट और ओवेन थे। ये दोनों इस शहर से बाहर जाना चाहते थे। अच्छे से चेक करने पर केट को पता चलता है कि वो इस शहर से बाहर जा सकती है और यहाँ पर किसी भी तरह की मृत्यु रेखा फिलहाल मौजूद नहीं है, जिस वजह से केट को फिलहाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स की हालत बेहद खराब थी। सारा की मौत के बाद वो काफी ज्यादा रूठ बर्ताव करने लगा था सबसे। जेम्स के पिता उसे घर वापस लौटने के लिए कहते हैं। जेम्स काफी गुस्से में था, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में कुछ देर ठहरता है। अचानक से जेम्स के सर पर चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और इसके ठीक कुछ देर बाद वो अजीबोगरीब तरीके से उठकर घर के लिए रवाना होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मरकर जीवित हुआ है। इधर बेल और ताइची बेल के घर से कुछ कपड़े चोरी कर लेते हैं। साथ ही ताइची को पैसे देने के लिए बेल अपने ही घर के भीतर चली जाती है। बेल का भाई ल्यूक उसे देख लेता है। ठीक तभी बेल के घर वाले भी कमरे में पहुंचते हैं। सभी उसे देखकर बेहद हैरान थे। काफी देर बाद बेल की माँ अपने परिवार वालों को शांत करके बेल का परिचय घर के सभी मौजूद लोगों से करवाती है। ठीक तभी बेल का भाई ल्यूक ताइची से घर के बाहर मिलता है। उसे देखते ही ताइची घबराहट में घर से भाग जाता है। इधर बेल के माता पिता बेल को बताते हैं कि आज से ठीक 15 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। मृत्यु से पहले बेल काफी समय से कोमा में थी। ये कहकर बेल का पूरा परिवार बेल को एक तरह का ड्रिंक पिलाकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। उधर ताइची भागते हुए शहर के बीच में पहुंच जाता है। इस दौरान ताइची की मुलाकात ट्रेवर नामक आदमी से होती है। ट्रेवर ताइची को अपने साथ ले जाकर खाना खिलाता है, वो भी अपने ही रेस्टोरेंट में। ट्रेवर ताइची की मदद करना चाहता था क्योंकि उसके मुताबिक ताइची एक अनजान शहर में बिना किसी के साथ आ गया है, वो भी बिना पैसों के। दूसरी तरफ हेसन अपने एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा व्यस्त रहती थी और इस दौरान हेसन फिल पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसने सारा और बाकी सभी को चांद से मारने की कोशिश की थी।
हेंसन अपने साथियों के साथ ओपन ब्रेन सर्जरी करने के बारे में सोच रही थी, जिससे कि ये पता चल सके कि किस तरह से सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हेंसन अपने गार्ड्स को बाकी सभी मरे हुए जीवित लोगों को ढूंढने के लिए कहती है, जिससे कि वो उन सभी पर एक्सपेरिमेंट कर सके। कुछ देर बाद हेंसन फिल से कहती है कि उनके दो बच्चे थे जिनकी मौत हो गई है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हेंसन अपने बच्चों को जिंदा कर सकती है और वो यही चाहती है। फिल उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से अब काफी कुछ बिगड़ने लगा है। लेकिन हेंसन अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और वो किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती थी। गुस्से में फिल उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। जैसे तैसे फिल उनकी डेड बॉडी छिपा कर लैब से भाग जाता है। इधर बेल के परिवार वाले उसे जलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। बेल को पवित्र बनाने के लिए उसे चर्च भी ले जाया जाएगा। और फिर बेल की माँ सभी से कहती है कि बेल आज से ठीक 15 साल पहले मारी गई थी और आज वो डेविल बनकर इस दुनिया में वापस लौट आई है, इसलिए उसे सभी के सामने ईश्वर को साक्षी मानकर मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ ट्रेवर के रेस्टोरेंट में बैठे बैठे ताइची को लगने लगता है कि वो एक भूत है जिसकी आत्मा इसी दुनिया में बसी हुई है। ये बात ताइची ट्रेवर को भी बताता है। अब बेल को बचाने के लिए ताइची उसके घर की ओर निकल पड़ता है। इधर बेल को एक कमरे में बंद करके कमरे में आग लगा दिया जाता है। ताइची सही समय पर पहुंचकर बेल को बचा लेता है। अब यहां से निकलने के दौरान बेल और ताइची की मुलाकात ऑफिसर क्रिस से होती है। ऑफिसर क्रिस इनकी मदद करना चाहते थे। इन दोनों को लेकर क्रिस कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। कब्रिस्तान में विलियम अब भी अलीशा की आशा लेकर बैठा हुआ था। क्रिस विलियम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन विलियम गुस्से में क्रिस को ही भगा देता है। कुछ देर बाद विलियम शहर की ओर जा रहा था। इस बीच विलियम की एक्सीडेंट हो जाती है। जो लड़की गाड़ी चला रही थी उसका नाम था मिली। मिली अपने दोस्तों के साथ शहर की ओर जा रही थी। विलियम मिली को देखता है और इससे हम जान पाते हैं कि मिली वही इंसान है जिसे विलियम हमेशा से अपने सपने में देखा करता था, और मिली ही वो इंसान है जिसके इंतजार में विलियम अब तक बैठा था। विलियम अब उन सभी से अजीबोगरीब तरीके से बात करने लगता है। उसकी हालत देख सभी उसके पास ही केक स्टोर पर उसे ले जाते हैं। दूसरी तरफ केट ओवन के साथ जा ही रही होती है कि रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था जिसकी मदद लेकर गाड़ी ठीक हो जाती, इसलिए रात को ये लोग यही आसपास कहीं ठहरने का फैसला करते हैं। पास ही में एक पब था जहां पनाह लेने के लिए ये दोनों पब की ओर निकल जाते हैं। पब का ओनर काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था। केट से बदतमीजी से बातें करने की वजह से केट किसी और जगह पर ठहरने का फैसला लेती है। ठीक तभी केट नोटिस करती है ओवन पब ओनर के साथ मिला हुआ है और वो जानबूझकर उसे यहाँ इसी पब में लेकर आया है। ओवन के इरादे गलत नहीं थे क्योंकि वो अपनी बहन के लिए केट का खून चाहता था। ओवन की बहन को कैंसर था और केट के ब्लड से उसकी बहन केट की तरह बन जाएगी। ये जानने के बाद केट बेहद हताश थी क्योंकि इस बारे में ओवन ने उसे कभी बताया ही नहीं था। केट फिर भी ओवन की मदद करने के लिए तैयार थी। इधर मिली अपने दोस्तों के साथ विलियम को एक पार्टी पर ले जाती है जहां वो सभी जाने के लिए घर से निकले थे। इस बीच वो विलियम को बताती है कि उसे एक एक्सपेरिमेंटल लैब में काम मिल गया है और कल से काम की शुरुआत होने वाली है। अब पब में काफी देर तक समय बिताने के बाद विलियम फ्लैशबैक में चला जाता है। विलियम काफी साल पहले इस दुनिया में इंसान बनकर आया था। इससे पहले भी उसे कई बार जीवित किया गया है। अब एक बार जब उसे जीवित किया जाता है उसके बाद उसे कुछ प्रीस्ट ने पकड़ लिया। विलियम को पकड़ने के बाद उसकी सारी चोटें मिनटों में ही ठीक हो गई। विलियम प्रीस्ट से कहता है कि वो एक शिप का कैप्टन है। शिप में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं सिवाय विलियम के। प्रीस्ट का कहना था कि विलियम एक एंजल है क्योंकि वो बार बार बच जाता है, लेकिन विलियम कहते हैं कि वो कोई एंजल नहीं है। साथ ही वो कहते हैं उसने भगवान के नियमों का उल्लंघन किया है क्योंकि उसे उसकी मृत्यु के बाद जीवित किया गया है जो कि प्रकृति के खिलाफ है। विलियम ईश्वर की इच्छा से प्रीस्ट से कहकर फांसी लगाने का फैसला लेते हैं, लेकिन फांसी लगाने के बाद वो दोबारा से जीवित हो जाते हैं। अब प्रेजेंट सीन में विलियम किसी का पीछा करते हुए बाथरूम की ओर जाने लगते हैं। मिली भी उनका पीछा करती है। ये दोनों नोटिस करते हैं हवा में पानी की बूंदें उड़ रही है। मिली और विलियम इस बारे में सभी को बताने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। साथ ही
दुनिया के कई और जगहों पर भी ऐसी घटनाएं घट रही थी। हेसन ने एक आदमी को इसकी खोज में भेजा था। विलियम की उसी आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। मिली विलियम को बीच रास्ते में अपने अपार्टमेंट में ले जाती है जिससे कि वो उनकी जान बचा सके। अब जैसे ही विलियम की चोटों पर बैंडेज किया जा रहा था, अचानक से घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। विलियम ने ऐसा ही अपने विजन में भी एक समय देखा था और यही चीजें अब असल दुनिया में भी हो रही है। दुनिया में फिजिक्स अपने नियमों को तोड़ रहा है और दुनिया अब पहले से ज्यादा छोटी होने लगी है। दुनिया तबाही की ओर बढ़ रही है और इस वजह से दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। अब विलियम ये सारी चीजें जानने के बाद अपार्टमेंट से चले जाते हैं। उधर केट ओवन की बहन को ब्लड डोनेट करती है, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। ब्लड डोनेशन के बाद वो नोटिस करती है ओवन की बहन का चेहरा बिल्कुल उसके जवानी के चेहरे से मिलता जुलता है। केट मदद करने के बाद वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ओवन का दोस्त गलत मंशा लेकर वहाँ पहुँचता है। ओवन का दोस्त केट को डार्क वेब की दुनिया में भेजना चाहता था और इसके लिए उसे डार्क वेब के लोगों से बात करके केट को बेचना होगा, जो कि केट एक मरी हुई जीवित इंसान है। इसके बदले वो सभी काफी सारे पैसे कमा पाएंगे। ओवन के दोस्त केट को पकड़ने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन समय रहते ओवन केट की मदद करके उसे वहाँ से भगाने लगता है। इस बीच ओवन को गोली लग जाती है और वो ओवन की दोस्त की गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। गैस खत्म होने की वजह से सुबह होते ही गाड़ी बीच रास्ते में थम जाती है। जैसे तैसे केट एक ट्रक ड्राइवर को थमा कर जेम्स को कॉल करके फौरन उसे उसी एरिया में बुलाती है। उसकी मदद करने के लिए जेम्स उस ओर निकल पड़ता है। जेम्स केट को जल्द से जल्द लेक हाउस की ओर जाने के लिए कहता है, क्योंकि लेक हाउस उस एरिया से काफी ज्यादा पास में था। इस बीच रास्ते में जेम्स विलियम को देखता है। विलियम जेम्स को देख दूर भाग रहा था। विलियम को नोटिस करके जेम्स भी उस ओर जाने लगता है। विलियम का अजीब बर्ताव देख उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस बीच बातों बातों में दोनों एक ही बात पर सहमत होते हैं, जो कि था इस दुनिया में सब कुछ ठीक करने के लिए मरे हुए जीवित लोगों को दोबारा से मरना होगा, वरना ये दुनिया धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि अब तक दुनिया में कभी भी फिजिक्स ने अपना नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन अब वो अपना नियम तोड़ रहा है और एक एक करके दुनिया की हर चीज प्रकृति के खिलाफ काम करेगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, यही थी ग्लिच सीरीज का पांचवा भाग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो सीरीज को जितना हो सके लाइक कीजिए। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ। शब्बा खैर।